सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और सामने दिए हुए बेल आइकन को भी जरूर दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनामिका, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू करने वाली हूं पर्पल की होम ब्रांड लिपस्टिक, जो कि है पर्पल HD मैट लिपस्टिक। और दोस्तों, मैं अगर आप लोगों को नहीं पता है कि पर्पल क्या है, तो उन लोगों को मैं जल्दी से बता दूं कि पर्पल दोस्तों एक ऐप है और उसमें आपको बहुत सारे यू नो प्रोडक्ट्स ब्रांड रिलेटेड टू कॉस्मेटिक्स मिल जाते हैं, और पर्पल के खुद के भी कॉस्मेटिक्स हैं, तो उन्हीं में से एक ये मैं रिव्यू करने वाली हूँ, पर्पल अल्ट्रा मैट HD लिपस्टिक। सबसे पहले मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखा देती हूँ। देखिए, कुछ इस प्रकार की पैकेजिंग में आता है दोस्तों। इन्हें अभी 6 कलर्स लिए थे पर्पल से, क्योंकि पर्पल पे अभी भारी डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप लोग भी लिपस्टिक खरीदने का सोच रहे हो, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सबका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है मैंने। इसके अलावा मैंने पर्पल का भी लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर आप पर्पल का ऐप आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको इसकी पैकेजिंग के बारे में बताई थी दोस्तों। कुछ इस प्रकार की इसकी पैकेजिंग है। जब मैं इसको ओपन करती हूँ तो इस तरीके से ओपन होता है। मैं इसको क्लोज करती हूँ तो ये अपने आप जाके ऐसे क्लोज हो जाता है। यानी कि यहाँ पे कुछ इनका मैग्नेटिक कुछ इफेक्ट है, इसलिए क्लोज इतनी अच्छे से हो जाता है। अच्छी बात तो मुझे इसकी पैकेजिंग लगती है। जो लोग बहुत ज़्यादा यू नो मैट लिपस्टिक्स को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार लोगों के बहुत ज़्यादा लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं मैट लिपस्टिक को अप्लाई करके। और पर्सनली भी कई बार लोग नहीं, मैंने देखा है कि कई बार लोग ढूंढते रहते हैं कि कुछ इस तरीके की लिपस्टिक मिल जाए जो थोड़ी मैट फॉर्म में भी हो और थोड़ी क्रीम फॉर्म में भी हो। तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। इससे अच्छा कोई ऑप्शन आप लोगों के लिए नहीं हो सकता है। ये स्मज प्रूफ है। ये जिस तरीके से यू नो मैट लिपस्टिक हम अप्लाई करते हैं ना, स्टिक की जो मैट लिपस्टिक होती है वो भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, इसी तरीके से ये भी बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। इसके अलावा दोस्तों, मैं एक पर्सनल बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये किसी चीज़ का रिव्यू कर रहे हैं तो ये अपने कुछ फायदे के लिए कर रहे होंगे। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी भी मैंने पर्पल की ही लिपस्टिक लगा रखी है। उसके अलावा मैं दोस्तों, अगर आप मुझे अभी देख रहे हो या फॉलो कर रहे हो काफ़ी टाइम से, मैंने अभी बहुत सारी यू नो लिपस्टिक्स मंगाई थी पर्पल से। स्टे क्विकी की भी मंगाई थी मैंने, क्रेयॉन्स मैंने लिप क्रेयॉन्स भी मंगाए हुए हैं। तो आजकल अगर मैं जब भी आपके सामने आती हूँ ना, तो मैं वही वाले लिपस्टिक्स को अप्लाई कर रही हूँ। अभी तक मैंने कोई और नई लिपस्टिक्स नहीं ली है, और आप मेरा विश्वास मानिएगा, इतनी प्यारी है ये लिपस्टिक्स। इनफैक्ट मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई हुई है अभी, और वो भी जब भी ये लिपस्टिक्स को अप्लाई करती है हमेशा बहुत ज़्यादा तारीफ करती है। तो मैंने भी उसको रिकमेंड किया है कि आप इन लिपस्टिक्स को अप्लाई करो और आप देखो। और इसीलिए मैं आप लोगों को भी यू नो, आप लोग मेरी एक फैमिली हो, इसलिए मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंड करूंगी कि अगर आप लिपस्टिक लेने का सोच रहे हो तो इनसे अच्छी बेहतर कोई लिपस्टिक नहीं है। हम जल्दी से देख लेते हैं स्वेचेस। मैंने यहाँ अप्लाई की है शेड नंबर 3 हंगर पार्टनर। ये पिंक शेड में है, और अब आप देख सकते हो कि कितनी इजीली ये मेरे लिप्स पे लग गई है। इसमें दोस्तों पेट्रोलियम जेली है, और इसीलिए ये इतनी स्मूथली लग जाती है। उसके अलावा इसमें कैस्टर ऑयल भी है। इस सब के इंग्रेडिएंट्स इसमें पीछे लिखे होते हैं, आप यहाँ जाके चेक कर सकते हो। दोस्तों इसका जो प्राइस है दोस्तों, वो 399 का है, और मुझे लिपस्टिक की मिली थी 299 की। तो दोस्तों मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी इन लिपस्टिक के लिए। और दोस्तों इसका जो शेड है, जो अभी आप मेरे लिप्स पर देख रहे हो, ये दूसरी लिपस्टिक है मेरी। इसका शेड है बैक बीच पार्टनर, शेड नंबर 4। ये भी पिंक शेड में ही है। मुझे पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए ज़्यादातर मैं पिंक शेड के लिपस्टिक्स ही लेती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट लिपस्टिक है। अगर आप लाइट लिपस्टिक्स पिंक में देख रहे हो तो ये बहुत ही प्यारा शेड है। और अब मैं शेड नंबर अप्लाई कर रही हूँ 16, जिसका कि नाम है बिटचिन पार्टनर। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है लिपस्टिक। आप देख सकते हो कितना प्यारी तरीके से ये लिप्स पर अप्लाई हो रही है। ट्रस्ट मी गाइस, ये लिपस्टिक का शेड बहुत प्यारा है। मैं इसको बहुत बार अप्लाई कर चुकी हूँ, और आप देख सकते हो कि कितना प्यारा लग रहा है लिप्स पर। अगर आप किसी पार्टी फंक्शन में जाने वाले हो तो इस लिपस्टिक को लगाए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ शेड नंबर 22 जुम्बा पार्टनर। ये लिपस्टिक भी, अगर आप न्यूड लिपस्टिक है एक्चुअली, अगर आप ब्राउन में कोई शेड ढूंढ रहे हो और न्यूड शेड ढूंढ रहे हो, तो बहुत ही प्यारा कलर है। आप देख सकते हो मेरे लिप्स पर। मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप इन लिपस्टिक को लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मैंने, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों ये लिपस्टिक का शेड है गेम नाइट पार्टनर, शेड नंबर 13। ये हल्का सा रेडिश टच में है और बहुत ही प्यारा लगता है अगर आप किसी नाइट आउट में जा रहे हैं तो। सो फ्रेंड्स, ये थे सारे मेरे लिपस्टिक के शेड। बहुत ही प्यारे हैं ये शेड। अगर आप चाहते हैं इन्हें परचेज करना, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं।
और गाइस बैक टू बैक लिपस्टिक्स अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।